नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NCERT के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं सृजन राजपूत अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। बच्चों, ये कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए, क्लास 9th बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सत्र है और हमारा आज का विषय है लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 1। इस टॉपिक में हम मैथ्स में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं बीना प्रकाश मैम। मैम कैंपियन स्कूल भोपाल से हमारे साथ हैं, सीनियर PGT हैं मैथमेटिक्स में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। थैंक यू सृजन जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लर्नर्स। बच्चों, आप सभी अपने प्रश्नों के साथ और सुझावों के साथ हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये है 8800440559। आप अपने किसी भी सुझाव या प्रश्न के साथ हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। तो बच्चों, मैथमेटिक्स के सत्र में लाइंस एंड एंगल्स में आइए बीना प्रकाश मैम से आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। मैम, तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। अब इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ डेफिनेशंस टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले लाइन, लाइन किसको बोलते हैं? लाइन मीन्स दिस इज, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन इट, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। और हम लिखते कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, जैसे ये दो पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा है ना, ए एंड बी, उसको यूज करते लिखते हैं, ए बी और उसके ऊपर एक एरो जो दोनों तरफ, दैट इज इट इज एक्सटेंडिंग टू बोथ साइड। आप इसको दोनों तरफ से स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रे। रे मीन्स अ पॉइंट। ये सब हमने डेफिनेशन इक्विलेट ज्योमेट्री में किया है, इसलिए मैंने जस्ट क्विकली रिवाइज करके इसको आगे लेके जा रही, जो टर्म्स जरूरत है वो हम एक करेंगे, ठीक है। रे मीन्स समथिंग फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक डायरेक्शन में निकलता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये बी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, इसलिए हम बी को यूज करेंगे रेफरेंस पॉइंट, दैट इज ए से बी, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, गोज टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी। और लाइन सेगमेंट इज बिटवीन टू पॉइंट्स, जो टू पॉइंट्स दिया रहता है, जैसे ये ए है ये बी दिया है, उन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनता है, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट, राइट। ये अपना डेफिनेशन हुआ लाइन सेगमेंट। ये तीन क्वांटिटी, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। गॉट इट। नाउ एंगल किसको बोलते हैं? व्हेन टू लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल, द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल, द कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। अब देखिए, जैसे ये वाला है, ये एक रे है, आपको दिख रहा है ये एक रे, और इसमें दूसरा रे ये है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है यहीं से, सो दिस मेक्स एन एंगल, और इस एंगल को उन्होंने नाम दिया है एक्स। लाइकवाइज यहां भी एक आर्म है, एक रे है, ये दैट्स अनदर रे, ये दूसरा रे है, ऐसे, तो दिस इज एन एंगल, ये जो एंगल बन रहा है दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस इज अ पर्टिकुलर एंगल। इसको मेजर करते हैं प्रोट्रैक्टर से, जब मेजर किया तो 90 डिग्री आया है, तो इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है राइट एंगल, और इस एंगल का मेजर जो है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री से कम है बट 0 डिग्री से ग्रेटर है, इसलिए इसका इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ होता, दिस मेजर्स 90 डिग्री, आपको यहाँ दिख रहा है मेजरमेंट यहाँ पे, सो दैट इज मेजरिंग 90 डिग्री, तो ये जो मेजर है ये दिस मेजर, दिस इज 90 डिग्री, वो से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आपको, तो दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। और ये वाला मेजर में देखिए आप, ये एंगल, ये एक रे है, दिस इज वन रे, ओ मान लीजिए इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो आपको क्या लग रहा है, ये दो आर्म्स है, ओ ए एंड ओ बी दो आर्म्स है, इससे कौन सा मेजर एंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस इज द एंगल दैट वी हैव, ये पूरे एंगल को, इसका मेजर आपको ऐसा लग रहा है ना, ये बी ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है, ये दैट इज वाई इट्स नोन एज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, और इसका मेजर होता है 180 डिग्री, एंड 180 मीन्स ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री, आप इस एंगल को एक बार और बना देंगे तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री। एंड देन थर्ड इज, ये ओ है, दिस इज पॉइंट ए एंड दैट्स पॉइंट बी, तो ये जो मेजर एंगल है, दिस इज मान लो इसको एक्स लेते, तो ये जो एंगल है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी, जो एक्यूट एंगल के ऑपोजिट, रिफ्लेक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360,
सो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए अपने. अब दूसरा एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं? टू एंगल्स ऑफ द विद सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म. एक कॉमन आर्म दिखना चाहिए. देखो एक रे है एपी और यहाँ एक रे है AQ. इन दोनों को के बीच में एक और रे जा रही है AB. तो ये जो AB है एक एंगल बनाता है विद आर्म AP, रे AP. तो ये एक एंगल हुआ AP और AB से ये एक एंगल हुआ जिसका नाम मैंने X लिखा. वैसे ही AQ और AB से एक दूसरा एंगल बनता है एंड दैट इज नेम्ड एज Y. सो ये दोनों एंगल X एंड Y, X मेजर है उसका, Y मेजर है इस एंगल का. ये दोनों एंगल्स का एक आर्म कॉमन है दैट इज AB, इट इज कॉमन. और एंगल Y का दूसरा आर्म कौन सा है? AQ. एंड एंगल X का दूसरा आर्म कौन सा है? AP. बट AP एंड AQ कौन से साइड में? दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ AB है, दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ AB है. अब आप देखिए, आप AQ इसमें एक चीज देखिए, जस्ट इसका इंफॉर्मेशन ये है कि जो आर्म्स कॉमन रहेंगे उसके दोनों साइड होने चाहिए बाकी दोनों आर्म्स. जैसे ये XP इज कॉमन, XP इज कॉमन आर्म. AB और XB दो अदर, दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ XP, XP के दोनों साइड है. ठीक है, तो मैं इस एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलूंगी. A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स. फाइन, दैट्स अ डेफिनेशन. दैट इज डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक आर्म कॉमन होना चाहिए और दूसरा दोनों अनकॉमन आर्म्स दोनों साइड होने चाहिए. तो मेरा क्वेश्चन एक ये है कि कैन बी एक्स पी एंड एंगल बी एक्स ए बी एडजेसेंट? क्या ये दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं? क्या कैन एंगल बी एक्स बी बी एडजेसेंट, दैट इज बी एक्स पी और बी एक्स ए, क्या ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं? इसमें भी हमें एक कॉमन आर्म दिख रहा है, हमें कॉमन आर्म दिख रहा है बी एक्स, इसका कॉमन आर्म बी एक्स दिख रहा है, दैट इज बी एक्स जो है कॉमन आर्म है. बट हमारा दूसरा आर्म जो है एक्स पी, ये जो आर्म एक्स पी है और ये जो आर्म एक्स ए है, देखो कहाँ लाई करता है, एक्स पी भी इसी तरफ है, दोनों एक ही तरफ है बी के. So therefore, this is, they are not adjacent angles. So what is that thing that we need to know? कि एक common arm के दोनों side होना चाहिए uncommon arms. तो वो उसको बोलते हैं हम adjacent angles. ठीक है? Now इसमें भी देखिए common arm कौन सा है, इसमें कौन सा arm है common? थोड़ा try कर सकते हैं क्या? ये जो triangle दिख रहा है आपको PMPQ और QPL कॉमन आर्म, ये PQ दिख रहा ना, एक आर्म कॉमन है, तो इसके साइड्स में है ना PL और PM दोनों अलग अलग साइड्स में है PQ के. सो ये दोनों एंगल U एंड V आर एडजेसेंट एंगल्स. एग्जैक्टली सेम थिंग देखो, OA एक आर्म है, OB एक आर्म है, बट OP जो आर्म रे बनाया है उससे एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक एंगल X एंड यहाँ एक एंगल Y. तो ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट हुए क्योंकि OP जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड है अनकॉमन आर्म्स. सो दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, नाउ अब इसमें एक चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या? देखिए एंगल LPM इस वाले फिगर में, एंगल LPM, LPM, LPQ, LPQ कौन सा एंगल हुआ? दिस इज द एंगल LPQ, दैट इज दिस एंगल. और दूसरा QPM, दैट इज दिस एंगल. तो आपने ये आर्म्स घुमा के ये एंगल बनाया एंड फर्दर इट इज रोटेटेड एंड ये एंगल पे पोजीशन आ गया, तो है ना ये LPM एंगल बन रहा है कि नहीं, LPM एंगल बन रहा है कि नहीं? दैट मीन्स हम दो एडजेसेंट एंगल्स को एड करके एक एंगल बना सकते हैं जो कॉमन आर्म है उसको हटा के. जैसे अगर आप इसमें देखेंगे BOP और POA, ये दोनों को ऐड किया तो ये एंगल बना BOA, जो कॉमन आर्म है उसको हटा देंगे. वैसे AB, A अगर मैंने इसमें एंगल A को ऐड किया B से,
किसका मेजर दे रहा है हमें? दैट इज गिविंग अस द मेजर ऑफ बी एक्स ए. तो ये जो कॉमन आर्म है वो हट गया है. दैट मीन्स हम दो एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस दैट वी हैव रिगार्डिंग लाइंस एंड एंगल्स. अब वी हैव सर्टन मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज जो एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. किसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट इज द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन. जैसे आप यहां देख सकते हैं, इस वाले में आपको दिख रहा है बी ओ ए. आप एक लाइन ले लीजिए, कोई भी एक लाइन लीजिए. देखिए मैं एक लाइन बना रही हूँ, देखो एक लाइन बना रही हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. फाइन, ये लाइन सेगमेंट हुआ क्योंकि मैंने स्टार्ट करके एक पॉइंट से स्टार्ट किया. अब मैं इस लाइन को देखिए, अब मैं इस लाइन को शिफ्ट करके इसमें, तो आपको दिख रहा है कि इट विल ओवरलैप ऑन इट. ये एक लाइन बनाई थी जिस इज गेटिंग ओवरलैप्ड. थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि एंगल पैरेलल नहीं है. देखिए आपको अब पूरी तरह से छुप गया ना वो लाइन दूसरा वाला, दैट मीन्स वो एक स्ट्रेट एंगल है. मैंने लाइन को ओवरलैप किया है, दैट इज पी बी ओ ए, एक स्ट्रेट एंगल लाइन लाइन बना है, सो दैट मेक्स अ स्ट्रेट एंगल. तो ये एंगल कब बना? व्हेन हमने एक्स और वाई को ऐड किया, एक्स एंड वाई को ऐड करके एक स्ट्रेट एंगल बना. और स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन क्या था हमने देखा ना, स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन, स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन है हमारे पास. स्ट्रेट एंगल किसको बोल रहे हैं हमने? स्ट्रेट एंगल दैट विच मेजर्स 180 डिग्री, दैट विच मेजर्स 180 डिग्री. सो लीनियर पेयर क्या हुआ अपना? यहाँ पे ये दोनों एंगल का मेजर x एंड y दोनों को ऐड करके इसका मेजर होता है 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, सो देयरफॉर दे फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. इट्स अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. फाइन, नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दे इंटरसेक्ट एट ओ, फॉर्म्स टू वर्टिकल. दैट इज अगर आपके पास दो लाइन्स है, जैसे ये दो लाइन्स है, ये लाइन ए ए बी है और दूसरा लाइन सी डी है, दोनों को इंटरसेक्ट करवाया हमने, दोनों इंटरसेक्ट किया बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल. याद करके देखो यूक्लिड पोस्टुलेट था ना फिफ्थ वाला, तो दे आर नॉट पैरेलल, दे विल इंटरसेक्ट, सो दे हैव इंटरसेक्टेड एट ओ. तो ये जो ओ पे है, तो देखिए आपको एक ए ओ सी से एक एंगल बन रहा है, सी ओ बी से एक एंगल बन रहा है, बी ओ डी से एक एंगल बन रहा है, डी ओ ए एक एंगल बन रहा है. तो वॉट वी फाइंड इज ये जो एंगल है ये इसके ऑपोजिट है, और ऑपोजिट कैसे बना? ये जो स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन से, सो दे आर नोन एज वर्टिकल. दैट इज ए ओ को हमने, ए ओ को अगर एक्सटेंड किया तो वो बी पे लेकर आया, तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट वी हैव. ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी ओ बी ऐसे एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है जो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देते हैं. ऐसे ही एक दूसरा पेयर भी है, दैट इज दिस इज मेजर दिस एंड दिस टू एंगल, दैट इज ए ओ डी. सो ए ओ सी, ए ओ सी एंड डी ओ बी, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, दिस इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. This is also a pair of vertically opposite angles. ठीक है? Now इसमें एक theorem आया आपने, सबसे पहला वाला theorem. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो आपको क्या prove करना है? कि ये जो vertically opposite angle है, ये angle और ये दोनों angle का measure same है. That is x and y is they are equal. So आपको prove क्या करना है? To prove हमने नाम दे दिया है, सो यू कैन यूज दैट रिप्रेजेंटेशन, और एल्स आप इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज ए ओ डी एंड ए सी ओ बी आर इक्वली. हमें प्रूफ करना है. तो हाउ डू वी स्टार्ट द प्रूफ? प्रूफ के लिए हमें क्या स्टार्ट करना है? प्रूफ एंगल ए ओ बी क्या है? ए ओ बी, ए ओ बी आपको क्या दिख रहा है? ए ओ बी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं? AOB एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल, दैट इज उसी से हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं. तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मेजर जो है 180 डिग्री है.
और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक एंगल, दिस इज फॉर्म्ड बाय दिस एंगल वन एंड दिस, दैट इज ए ओ बी को बनाने के लिए हमने कौन सा एंगल यूज किया, एंगल ए ओ, दैट्स ए ओ सी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी और सी ओ बी, ये दोनों को एंगल को जोड़ने से हमें ए ओ बी बना, ठीक है। सो नाउ सेकेंड रिजल्ट क्या है, वैसे ही ए सी ओ डी देख लो, सी ओ डी देखो, सी ओ डी, वॉट इज सी ओ डी, ये भी एक 180 डिग्री है, एंड सी ओ डी किससे बना अपना, सी ओ डी किससे बना अपना, दिस इज दैट वी हैव सी ओ डी, देखो आप आराम से देखे, सी ओ डी बन रहा है एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी से बन रहा है। सो इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज ये क्वांटिटी, दिस इज सम क्वांटिटी u विच इज इक्वल टू v एंड दिस इज अनदर क्वांटिटी u विच इज इक्वल टू p। सो एक्सियम, यूक्लिड्स एक्सियम, व्हाट इज इट सेइंग, इफ सम सेम थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, दैट इज सम u इज इक्वल टू v एंड u इज आल्सो इक्वल टू v p, देन v एंड p आर इक्वल, सो वी हैव एंगल AOC plus angle COB is equal to angle AOC plus angle AOD. ये एक रिजल्ट आया, और नाउ इस रिजल्ट को वी फाइंड दैट दिस इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन क्वांटिटी AOC, देखिए कॉमन क्वांटिटी है, दे गेट कैंसल व्हेन इट टेक, व्हेन वी टेक अप द ऑपरेशन, आप AOC एंगल को उस तरफ ले जाएंगे, इट गोज एज माइनस, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो दैट गेट्स कैंसल, तो बचा क्या है हमारे पास, एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी आर इक्वल, सो वॉट इज एंगल सी ओ बी, इजेंट इट एंगल एक्स एंड इजेंट इट एंगल वाई, सो वी कुड प्रूव वन पेयर, ये एक पेयर हमने प्रूव किया, वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल वन है दैट्स इक्वल टू एंगल टू, सो द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। नाउ इसके बेस में लेट अस टेक अप वन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है पार्टनर, कि क्वेश्चन ये है कि इफ, देखिए आप यहां पे ए ओ सी एंड ई ओ बी, ए ओ सी एंड ई ओ बी, ई ओ बी इन दोनों का मेजर है, तो मैं फॉर कन्वीनियंस से आई एम यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन, बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट्स को यूज करके भी हम एंगल को नाम दे सकते हैं, और एल्स नेम इट, वी आर नेमिंग इट, दैट इज, इट इज नॉट वैल्यू, ये हमने नेम किया है, न्यूमरिकली भी नाम डाल सकते हैं, लिटरल भी, दैट इज एक्स वाई जेड ए बी सी, ये नाम यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे तो न्यूमरिकल लिया वन एंड टू, तो इस वाले एक्सप्रेशन से क्या मिलते हैं अपने को, एंगल वन एंड एंगल टू, ईओ दोनों मिला के एंगल 70 डिग्री है। अब इसमें आपको मिला है मेजर ऑफ एंगल डी ओ बी, डी ओ बी कौन सा एंगल अपना है, डी ओ बी तो ये वाला एंगल है, डी ओ बी तो ये वाली एंगल है, तो वॉट इज दिस एंगल इक्वल टू, डी ओ बी जो एंगल है वो एक्चुअली इजेंट इट इक्वल टू एंगल वन, देखो वाई, बिकॉज दे फॉर्म अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देखो ए ओ बी, ए ओ बी and COD, they form a straight line. So A, angle 1 and DOB, they are equal. So what is the measure of this angle? This angle also measures 40. Ab maine yahan pe kya likha hai? Is angle ka measure, kyunki inne diya hai. So I put that. So this also measures 40 degree. Fine? So agar isme 40 degree hai, to humare paas aa gaya na solution ek. Angle 2 will be 70 minus 40, that is 30 degree. So measure of angle 2 will be 30 degree. This is 30 degree. ये एक question था, देखिए EOB निकालना था, EOB निकल गया. दूसरा उन्होंने पूछा है reflex angle DOB. Reflex angle DOB means इसके पीछे वाला angle. That's the angle. So the reflex angle DOB will be equal to 360 minus जो हमारा angle DOB था, that is 40 degree. So which comes out to be 320 degree. ठीक
क्यू दे आर इक्वल. सो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ बच्चों, याद करके देखो. इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन दैट ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. देन इसका एक्सटीरियर एंगल पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस क्या दिख रहा है आपको, दिस इज एंगल पी क्यू एक्स, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल पी क्यू आर. वैसे ही पी आर टी, पी आर टी जो है इट इज दिस मेजर. अब ये पी आर टी है एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल पी आर क्यू, इस एंगल का एक्सटीरियर है. सो हमें प्रूव करना है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स, अगर जो इक्वल एंगल्स है उसके एक्सटीरियर, उसके बाहर एक्सटीरियर मींस वी आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, उससे दे विल आल्सो बी इक्वल. अब ये कैसे प्रूव करेंगे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर. आई विल नेम दिस एंगल एज क्यू एंड दिस एंगल एज आर. सो एज आई सेड न्यूमरल्स भी लिख सकते हैं, लिटरल भी लिख सकते हैं. अब मैं इसका नाम वन एंड टू डालूंगी, नाम डाल रही हूँ, इट इज नॉट द मेजर. तो आप क्लियरली देखिए वन एंड क्यू क्या है, वन प्लस टू, वन प्लस टू, वन एंड टू क्या बना रहा है अपना, एक लीनियर पेयर. सो दोनों को एड करके एंगल दैट वी गेट इट मेजर विल बी 180 डिग्री. एग्जैक्टली द सेम थिंग यू सी फॉर एंगल आर एंड एंगल टू, है ना. तो टू आर इक्वल, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर दिस टू विल बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. और हमारे पास दिया हुआ है एंगल क्यू एंड आर आर इक्वल, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, दैट इज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. सो ये दैट इज based on linear pair, ठीक है? Yes ma'am. As time is running so fast and this is a part one of lines and angles, so time to wrap up the show. मैं वीना प्रकाश मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मैथेमेटिक्स के इस सत्र को हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना क्विकली और इतने अच्छे तरीके से जो है समझाया है. तो आई एम श्योर बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर प्रश्न हो तो आप हमें ज़रूर मेल करें. मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू. इसके साथ ही बच्चों एक और ज़रूरी सूचना जो आपकी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है, आप ये पाठ्य पुस्तकें हमारे अक्रॉस द कंट्री सेल्स काउंटर से मंगवा सकते हैं. ये नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में हैं, जहां से आप मेल कर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं. हमारी मेल आईडी है ncertbooks.ncert.gov.in. ये सभी सेल्स काउंटर सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक सभी अवकाश के दिनों में भी काम करते हैं और कोई भी डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं. आप चाहें तो इन किताबों की सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ वर्जन अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर सकते हैं. इसके लिए जस्ट आपको डाउनलोड करना होगा ई पाठशाला दीक्षा या मोबाइल ऐप को. अधिक जानकारी के लिए और अपडेटेड जानकारी के लिए जरूर विजिट करते रहें www.ncert.nic.in. इस सत्र से मैं सृजन राजपूत लेती हूँ अनुमति. नमस्कार.